रूस और यूक्रेन का युद्ध उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से शांति की बात करना निरर्थक लगने लगा है। एक बार फिर से युद्ध की आग में इंसानियत को झोंकने की पुरजोर कोशिश चल रही है। कौन सही है, कौन गलत, ये बात और है, लेकिन एक बात तो तय है कि एक ऐसी जंग का आगाज हो चुका है जिसकी चिंगारी से पूरी दुनिया में आग लग सकती है। इसका अंदाजा भी काफी पहले से था, लेकिन इसे रोका नहीं जा सका। इस दौरान नाटो काफी चर्चा में रहा, जिसे लेकर रूस तो काफी चिढ़ रहा है, लेकिन यूक्रेन को इससे बहुत मदद की उम्मीद थी। अब सवाल यह है कि जब पूरी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देश यूक्रेन के साथ हैं, तो आखिर नाटो यूक्रेन की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है? जानेंगे इसी सवाल का जवाब अपने आज के न्यूज दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धीर टीवी। सबसे पहले नाटो के इतिहास को समझते हैं। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, जो दुनिया पर अपना अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। यूरोप में सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका ने मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसल्स में है। इसकी स्थापना के समय अमेरिका समेत 12 देश इसके सदस्य थे। मौजूदा वक्त में इसके 30 सदस्य देश हैं, जिनमें 28 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। इसने अपना एक चार्टर भी, यानी नियमावली भी बना रखा है, जिसके मुताबिक ये ऑपरेट करता है। नाटो से निपटने के लिए सोवियत संघ ने भी 14 मई 1955 को एक वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO या वारसा पैक्ट किया। वारसा पैक्ट सोवियत संघ समेत 8 देशों के बीच हुआ था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद 1 जुलाई 1991 को वारसा पैक्ट का मतलब भी खत्म हो गया। अब समस्या ये है कि नाटो का अस्तित्व अभी भी बना हुआ है, जो रूस के लिए एक सिरदर्द की तरह है। गौरतलब है कि यूक्रेन भी इसी नाटो में शामिल होना चाहता है, जबकि रूस लंबे समय से नाटो के साथ यूक्रेन की बढ़ती नज़दीकियों का विरोध करता रहा है। यूक्रेन की सीमा एक तरफ रूस के साथ और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ लगती है। अब अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है, तो नाटो की उपस्थिति एकदम रूस के दरवाजे तक हो जाएगी, जिसे रूस अपनी सुरक्षा के लिहाज से कतई उचित नहीं मानता है। इस पूरे परिदृश्य में अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने यूक्रेन की मदद का वादा किया। आखिर सवाल ये उठता है कि जब सब लोग यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो नाटो रूस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर देता है? दरअसल नाटो चार्टर के आर्टिकल 5 के मुताबिक ये संगठन अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा में यकीन करता है। इसका मतलब ये है कि इसके किसी भी सदस्य देश के खिलाफ बाहरी हमले को सभी सहयोगियों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इसका सभी नाटो देश मिलकर मुकाबला करेंगे। लेकिन आधिकारिक तौर पर यूक्रेन अभी भी नाटो का सदस्य नहीं बना है, इसीलिए नाटो यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं आ पा रहा है। हाँ, अगर रूस ने यूक्रेन के पड़ोसी देश, जो कि नाटो के सदस्य हैं, उन पर कोई कार्रवाई की, तो नाटो एक्शन ले सकता है। तो ये थी बात नाटो चार्टर के अनुच्छेद 5 की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि ये वैक्यूम बम क्या होता है जो अभी इस पूरे मामले में चर्चा में है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।